राहुल द्रविड़ भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार होते हैं और राहुल सिर्फ अपने खेल की वजह से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की वजह से भी महान कहलाते हैं। राहुल बेहद सरल और सौम्य स्वभाव के हैं और राहुल हमेशा दीनहीनों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस कड़ी में राहुल ने एक और शानदार काम किया है। भारत के इस महान बल्लेबाज को अगले साल होने वाले दूसरे दृष्टिहीन T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये टूर्नामेंट 28 जनवरी से 12 फरवरी तक खेला जाएगा। भारतीय दृष्टिहीन क्रिकेट संघ ने एक बयान जारी कर इस बात की घोषणा की है। ये टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट आधार पर भारत में अलग अलग शहरों में खेला जाएगा। इसका पहला मैच नई दिल्ली और फाइनल बेंगलुरु में होगा। भारत के अलावा इस विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नेपाल, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज हिस्सा ले रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर द्रविड़ ने कहा, दृष्टिहीन क्रिकेट जैसे कार्य का समर्थन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इन खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है। ये खिलाड़ी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें बताते हैं कि असली आंखें हमारे अंदर हैं और विश्व में उसे कोई छीन नहीं सकता। इस पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, दृष्टिहीन क्रिकेट को भारत और विश्व में बढ़ावा मिलना लोगों को अपने भीतर छिपी योग्यताओं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करेगा। आपको बता दें कि राहुल अपने समय के धाकड़ बल्लेबाज रहे हैं और राहुल ने टीम इंडिया की कप्तानी भी की है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।